हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। बेसिकली ये योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के मोटिव से इंडिया में लॉन्च की थी और इसका मेन एम था कि फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सब सर्विसेज सब लोगों को इजिली अवेलेबल हों और मेनली गरीब लोगों तक ये पहुँच पाए। इस कैंपेन को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच यानी कि 15 अगस्त 2014 को अनाउंस किया था। मेन आपको ये याद रखना है ये कब अनाउंस की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इसको अनाउंस किया था। इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता, जिसका मतलब है माई अकाउंट ब्रिंग्स मी गुड फॉर्च्यून। जिस दिन यह योजना का उद्घाटन हुआ उसी दिन 15 मिलियन के करीब बैंक अकाउंट्स खोले गए थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह अचीवमेंट दर्ज हुई। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया आपको कि कितने अकाउंट्स खोले गए थे। ये चीजें ध्यान में रखने वाली हैं और इनको आप याद कर लो। और इसका रिकॉर्ड बना, फिर उसके बाद जो ये रिकॉर्ड बना उसको किस नाम से ये दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, द मोस्ट बैंक अकाउंट्स ओपन्ड इन वन वीक एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन, इस नाम से ये दर्ज है। और जो वन वीक में ये काम हुआ वो वन वीक कौन सा है, अगस्त 23 टू अगस्त 29 2014। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट बेनिफिट इज नो फ्रिल अकाउंट्स। नाउ व्हाट इज अ नो फ्रिल अकाउंट? नो फ्रिल अकाउंट ऐसा बैंक अकाउंट होता है जिसे हम जीरो बैलेंस के साथ भी खोल सकते हैं। मीन्स इट्स अप टू यू। अगर आपके पास बैलेंस है, अगर आप चाहते हो कि 1500 या जितने भी पैसे डाल के आप उसको अकाउंट को खुलवाना चाहते हो तो आप खुलवा सकते हो। बट उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि हाँ आपको इतने पैसे देने ही है तभी आपका अकाउंट खुल सकता है। बेसिकली ये जीरो बैलेंस अकाउंट ही होते हैं और इसको आप खोल भी सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और ऐसे अकाउंट्स में बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ही अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹5000। अब जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो ₹5000 की दी गई थी उन लोगों को जिन्होंने जनधन योजना के अंडर अकाउंट्स ओपन किए। अब मैं आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम उस चीज को बोलते हैं जब हम जितने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं उससे ज्यादा अमाउंट हम विड्रॉ कर सकें और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें वो पैसे बैंक को वापस करने होते हैं। तो जिन लोगों ने भी ये अकाउंट्स खुलवाए थे जनधन योजना के अंडर उनको ₹5000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई। बट हर एक को नहीं दी गई थी ये फैसिलिटी, सिर्फ उन लोगों को ये दी गई थी जिनका अकाउंट एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए सेटिस्फेक्ट्री चला, सिर्फ उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट इज फ्री रुपे डेबिट कार्ड्स। सब अकाउंट होल्डर्स को फ्री रुपे डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड किए गए थे जिन्हें सभी एटीएम्स पर यूज किया जा सकता है कैश विड्रॉ करने के लिए। और इवन कि इनको आप रिटेल आउटलेट्स पर भी यूज कर सकते हो कोई भी पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन इन केवाईसी नॉर्म्स। नाउ व्हाट इज केवाईसी? केवाईसी इज नो योर कस्टमर। हर एक बैंक के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिसमें से कि केवाईसी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, हर एक बैंक इसको फॉलो करता है। बट जो भी अकाउंट्स प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर खोले गए थे इसमें केवाईसी नॉर्म्स में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी। वो इसलिए प्रोवाइड की गई थी क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जैसे बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं या पैसे कह सकते हो मजदूर लोग होते हैं, कई लोग वैसे ही अपने आधार कार्ड वगैरह हो गए बेसिक जो आईडी प्रूफ्स होते हैं वो बनवाते ही नहीं है या उनके पास अवेलेबल नहीं होते और इस कारण वो कभी अपना अकाउंट खुलवा ही नहीं पाते थे। तो इसलिए इस चीज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई ताकि हर एक को बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाए। पर ये टोटली ऐसा नहीं था कि इसमें केवाईसी नॉर्म्स है ही नहीं थे, तो इसमें रिलैक्सेशन तो दी गई यानी कि जिनके पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं था वो अपने अकाउंट्स खुलवा तो सकते थे पर उनको बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर वैलिड आईडी प्रूफ देना था। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। हर एक अकाउंट होल्डर को 2 लाख तक की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया। कौन सी कंपनी ने प्रोवाइड किया? HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस ने प्रोवाइड किया। अब जो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है पहले इसके अमाउंट 1 लाख थी और बाद में इसको बदल के 2 लाख रुपए किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज
लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 30,000 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया. किस कंपनी ने प्रोवाइड किया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया. मेन बात ये है कि यहाँ पर मैंने आपको शो भी किया ये दोनों फैसिलिटीज जो थी, दैट इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और लाइफ इंश्योरेंस कवर, ये दोनों फैसिलिटीज सिर्फ उन लोगों को दी गई थी जिन्होंने अपना अकाउंट 26 जनवरी 2015 से पहले पहले ओपन कर लिया था. सिर्फ उनको ये दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी, ये फैसिलिटीज बाकी होल्डर्स को नहीं प्रोवाइड की गई थी. So viewers, that's all in this video. Thanks a lot for watching.